ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात अभ्युदय की अधूरी तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब छात्रों को वरदान देते हुए अभ्युदय योजना की शुरुआत की। आज इस योजना के तहत पहली क्लास थी, लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी ने पहले ही दिन इस योजना को सवालों के घेरे में ला दिया, जहां अव्यवस्था का आलम यह था कि छात्र फॉर्म लिए हुए हाथ में जरूर थे, लेकिन उन्हें अंत में बिना क्लास लिए ही लौटना पड़ा। जिस अभ्युदय योजना को लेकर पूरे सूबे में बड़ी बड़ी तैयारियां की गई थी, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, वो योजना अपने पहले ही दिन सवालों के घेरे में आ गई है। कानपुर में फ्री कोचिंग के पहले दिन छात्र हाथ में फॉर्म लेकर इधर से उधर भटकते रहे। यूनिवर्सिटी में छात्रों को कैसे पढ़ाया जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था ही नजर नहीं है। जबकि टाइम के हिसाब से शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में 2 बजे से 5 बजे तक क्लास होनी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से क्लास नहीं हुई और करीब 100 छात्रों को बिना कोचिंग लिए घर लौटना पड़ा। सर के पास हम लोग जा ही नहीं पाए, वहाँ सीटी नहीं है किसी के लिए, इतना बच्चा भरा है, वो अंदर पढ़ाई उनको भी डिस्टरबेंस हो रही है। सर मैं अभ्युदय योजना का फॉर्म भरा था, अब उसमें पास हो गए हैं। कॉल आई थी कि 1 बजे वेरिफिकेशन कराना है, 2 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसी लिए आए हैं आज। एक्चुअली हम लोग काफ़ी टाइम से कैंपस की कोचिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए। हम लोग इतने टाइम से आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग को सीट्स नहीं मिली और टाइम वेस्ट भी हम लोगों का हो रहा है। वहीं इस यूनिवर्सिटी में इस अव्यवस्था की जिम्मेदारी लेने वाला कोई भी नजर नहीं आया। सभी एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालते नजर आए और जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो कैमरे के सामने से बचते नजर आए। दरअसल कानपुर यूनिवर्सिटी में पहले दिन 230 छात्रों को फ्री कोचिंग दी जानी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने सीएम योगी की महत्वाकांक्षी अभ्युदय योजना में ऐसा पलीता लगाया कि सिर्फ 130 छात्र की फ्री कोचिंग हो पाई, जबकि 100 छात्रों को बिना पढ़े ही घर जाना पड़ा। अब सवाल इस बात का है कि अगर ऐसे ही लापरवाही होगी तो कैसे इस योजना का फायदा गरीब छात्रों को मिलेगा। हालांकि कानपुर में भले ही इस योजना में लापरवाही देखने को मिली हो, लेकिन मेरठ में छात्र अभ्युदय योजना के तहत फ्री कोचिंग लेते नजर आए। यहाँ छात्रों में निःशुल्क कोचिंग को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। मेरठ में भी 3 जगह अभ्युदय के तहत कोचिंग चलाई जा रही हैं और आज बच्चे उस कोचिंग में शामिल हो करके अपने सपनों को पूरा करने की जो शुरुआत है, जो पहल है, वो शुरू कर दी है। कोचिंग सेंटरों पर खुद जिला अधिकारी मेरठ के बालाजी पहुंच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। हमारे साथ खुद जिला अधिकारी के बालाजी हैं। सर ये बताइए कि कितनी जगह मेरठ में ये कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं और लगभग कितने बच्चे आज शामिल हुए हैं इस कोचिंग में? मेरठ में 3 सेंटर्स में हो रहा है। SD इंटर कॉलेज में जो डिफेंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम से उसकी कोचिंग चल रहा है और JIC में नीट और JEE का चल रहा है और मेरठ कॉलेज में जो सिविल सर्विसेज का है इसका यहाँ चल रहा है। आपको बता दें कि अभ्युदय योजना के तहत मेरठ मंडल में 1382 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग के लिए चुना गया, जिसके लिए 115 से ज्यादा अध्यापकों को इस काम में लगाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को पहले दिन अधिकारियों ने छात्रों को संविधान को पढ़ाया। छात्रों के लिए बहुत उपयोगी, मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, मतलब उनके लिए बहुत ही अच्छा योजना है। मतलब कि जो स्तर, मतलब गरीब बच्चे पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते, फीस कोचिंग की फीस 1.5 लाख करीब डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर बड़ी बड़ी कोचिंग हैं तो उसमें गरीब तबके के लोग जा नहीं पाते हैं। और इनके लिए योगी जी की, मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही बेस्ट योजना कही जाएगी। सभी छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जो भी छात्र पढ़ने लायक है, जो भी छात्र उस लायक है कि वो बन सकता है, तो ये योगी सरकार हम लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही कारगर है। अभ्युदय योजना उन छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो पैसे की तंगी के चलते पढ़ नहीं पाते, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने इस योजना के जरिए उनके सपनों को उड़ान दे दी है। वाराणसी में आज सुलह समझौता अधिकारी ने सबसे पहली क्लास ली है। अभ्युदय योजना के तहत जिस तरह से मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जो परीक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनको जो सौगात दी है, उसकी आज पहली क्लास है
और आज यहाँ पर वाराणसी में संविधान की क्लास ली जा रही है और ये छात्र जो कि तैयारी करते हैं वो आज यहाँ पहुँचकर संविधान के बारे में जानकारी ले रहे हैं। लेकिन ये छात्र तभी उड़ान भर पाएंगे जब कोचिंग सेंटर पर इन्हें ठीक से कोचिंग मिलेगी, क्योंकि कानपुर की अव्यवस्था ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, क्योंकि अगर ऐसी ही अव्यवस्था रही तो इस योजना का मकसद कहीं पीछे छूट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।